नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश हलवाई और आपका स्वागत है मुकेश यादव कुकिंग में। मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई मिठाई की वीडियो यानी कि रेसिपी लाता रहता हूं, तो इस बार भी एक नई रेसिपी के साथ आया हूं। यह है क्रीम खजूर मिठाई और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और दिखने में तो आपको समझ में ही आ रहा है, बहुत अच्छा दिखता है ये। तो चलिए बिना देरी किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो खजूर लिया है, ये सीडलेस खजूर है यानी कि इसमें गुठली नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कड़क है। आप चाहें तो जो सीड वाले खजूर आते हैं नरम वो भी ले सकते हैं, लेकिन 1 किलो खजूर लेना है। और यदि आप घर पे बनाना चाहें तो आप 200 ग्राम खजूर का भी बना सकते हैं, 100 ग्राम खजूर का भी बना सकते हैं। बनाने की प्रक्रिया सेम है, सिर्फ कम क्वांटिटी में आपको बनाना है। तो इसको हम काट लेंगे क्योंकि ये कड़क हैं थोड़े, और आप चाहें तो नरम वाले खजूर भी ले सकते हैं, काले खजूर भी ले सकते हैं, खजूर आप कोई से भी ले सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग जितनी मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाता रहूँगा। ये देखिए हमारे खजूर कंप्लीट हो चुके हैं और ये है वाइट चॉकलेट कंपाउंड यानी कि सफ़ेद चॉकलेट है और 1 किलो है। आपको ये जहाँ से बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पे भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसको हम पटक लेंगे ताकि ये टूट जाए क्योंकि बहुत हार्ड रहती है ये। और एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद हल्का सा केसर, पानी हमारा गर्म हो चुका है और ये खजूर हमने पहले से ही कंप्लीट करके लिया था, ये 1 किलो खजूर है। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है तो हम खजूर को इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके खजूर सॉफ्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो खजूर कड़क वाले रहते हैं ना तो पानी से फूल जाते हैं तो नरम हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। और हमने इसमें पानी ये डाला है ताकि हमारे जो खजूर है ना वो कड़क हैं तो पानी पी के बहुत ही नरम और मुलायम हो जाए, लेकिन पानी तो बाद में सारा जल जाएगा ना, पहले ये खजूर पानी पूरा खींच लेंगे अपने अंदर और उससे खजूर फूल जाते हैं, नरम भी हो जाते हैं। देखिए खजूर भी कई प्रकार के आते हैं, अब हम इसके अंदर 100 ग्राम देसी घी डालेंगे थोड़ा सेकने के बाद। देखिए अब पानी की मात्रा कम हो गई तो अब इसमें हम 100 ग्राम देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालने के बाद आपको 5 से 6 मिनट तक सेकना है। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट आपको यहाँ से बता देते हैं। और हम वीडियो ऐसे बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ में आता है। ये देखिए हमने हाथों से चेक किया है, अभी ये चिपक रहा नहीं है। ये हमने 100 ग्राम इसमें काजू डाल दिए
काजू डालने के बाद आपको 1 मिनट तक सेकना है। उससे क्या होगा, हमारे काजू भी फ्राई जैसे हो जाएंगे, सेक जाएंगे और खजूर भी हमारा थोड़ा बहुत नरम रहेगा तो कम्प्लीटली हो जाएगा। और आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि कड़क या नरम, तो उसको भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, अब हमारे हाथों पे ये चिपक रहा नहीं है ज़्यादा, तो हमारे खजूर सिक्के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आपको गैस बंद कर देना है, एक चौकी में देसी घी या ऑयल आप जो भी लगाना चाहें लगा लें। इससे क्या होगा, हमारा खजूर नीचे नहीं चिपकेगा। और आपको ज़्यादा कड़क भी नहीं कर देना है, फिर आपको काटने में ज़्यादा दिक्कत होंगी। और चौकी आपको ऐसी लेनी है जिसमें 2.25 किलो जितना माल आ जाए, यानी कि 2 किलो 250 ग्राम जितना माल आ जाए। क्योंकि ये नीचे का लेयर तो कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ तैयार कर दिया है। ये देखिए है ना, अब बारी है हमारी वाइट चॉकलेट की। और ये चॉकलेट है ना, तो एक ये बर्तन में हमने पानी लिया है, तपेले में गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसके अंदर एक और हमने बर्तन रखा है तपेला, और ये वाइट चॉकलेट हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम 50 ग्राम जितना देसी घी डाल देंगे। और इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी चॉकलेट जल्दी जल्दी पिघल जाए। प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। ये देखिए, हमारी चॉकलेट पिघल चुकी है और इसके अंदर हम 200 ग्राम जितनी जेली ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है, तो इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे और ये तुरंत ही आपको डाल देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो मालूम पड़ेगा खजूर का थर अलग और चॉकलेट का थर अलग, दोनों अलग अलग नहीं होना। अब ये जेली को हम सब तरफ फैला देंगे।
ये ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग भी बहुत ही देखिए आसानी से कटिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि हमको हार्ड जा रहा हो कटिंग करने में, नहीं बहुत ही आसानी से कटिंग हो रही है इसकी। और कटिंग भी आपको है ना एकदम पतली छुरी से कटिंग करना है। और यहाँ पे आपको एक दो पीस निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, और ये मिठाई देखने में ना बहुत ही शाइनिंग मार रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी लुक इसका देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाइट और हल्का सा ब्लैक है, तो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है, और खाने में तो ये टेस्टी है ही है। देखिए ना, और फिनिशिंग भी बहुत है कटिंग में, तो हम इसे चौकी में अच्छे से लगा लेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्रीम खजूर की मिठाई बनाई है, वो कैसा बना है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए इसका लुक क्या शाइनिंग है हमारी बर्फी में। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।